प्रीवियस वीडियोस में हमने एडीबी कमांड्स और डायनेमिक एनालिसिस के बारे में सीखा, साथ ही हमने ये भी देखा कि स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है। हमने एपीके फाइल को डीकंपाइल करके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को भी एनालाइज किया। इस वीडियो में हम दो नए टूल्स के बारे में सीखेंगे एंड ये देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉइड कोड को एनालाइज करके हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। आई एम उबैद अहमद, वेलकम टू अनदर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसमें ऑलरेडी हमारे पास एपीके पहले से मौजूद थी, लेकिन अगर हमारे पास एपीके प्रेजेंट ना हो एंड हमें प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे टेस्ट करना हो तो हम क्या करें? फॉर दिस वी विल हैव टू फेच द एपीके फ्रॉम द डिवाइस। लेट्स सी हाउ इट इज डन। First, do adb shell. अब हमें इस डिवाइस का शेल मिल चुका है। इसके बाद हमें करना है cd यहां पे हम करेंगे ls। अब इस डिवाइस के अंदर जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं उन सब की डायरेक्टरीज हमें यहाँ पे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्विगी की एप्लीकेशन की एपीके चाहिए तो मैं करूँगा सीडी और ये स्विगी की जो डायरेक्टरी है या अगेन ls। अब ये बेस डॉट एपीके फाइल जो है मेरी, ये मेरी एपीके फाइल है जो मेरी स्विगी की एप्लीकेशन फाइल है। अब या तो मैं इसको यहीं से पुल कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कर सकता हूँ कॉपी। मुझे करना है पेस्ट डॉट एपी क्यू कॉपी और उसको मुझे कहाँ कॉपी करना है, मुझे इसे कॉपी करना है एसडी कार्ड में स्विगी डॉट एपी के। आई विल डू एक्सिट और मैं यहाँ करूँगा एडीपी पुल एसडी कार्ड स्विगी डॉट एपी के। अब यहाँ पे स्विगी की एपीके फाइल हमें मिल गई है। लेट्स ट्राई दी अनदर मेथड टू फेच अनदर एपीके विच इज दी एपीके ऑफ आर डीवा ऐप। इसके लिए हमें करना है एडीबी पुल डेटा ऐप और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी डायरेक्टरी, हम कर देते पेस्ट। इसके अंदर भी होगी एक पेस्ट डॉट डॉट एपीके और यहाँ पे हमारी बेस डॉट एपीके आ गई है। इसको मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ डीवा डॉट एपीके। तो इस डीवा एप्लीकेशन को इस डिवाइस में हम रन करते हैं। ये रही हमारी डीवा एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा एक मॉड्यूल है हार्ड कोडिंग इश्यूज, इस मॉड्यूल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें एक वेंडर की एंट्री करनी है, लेकिन वो वेंडर की है क्या? तो कुछ भी हम रैंडम वैल्यू देते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेस डिनाइड। तो ट्राई करते हैं पासवर्ड, यहाँ पे भी एक्सेस डिनाइड। तो अब या तो मैं इसी तरीके से इस पे ब्रूट फोर्स करता रहूँ जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं, दूसरा तरीका है मैं इसके कोड को एनालाइज करूं, क्योंकि डेवलपर्स ऐसी गलती कर देते हैं कि वो इस तरह की कीज़ को या फिर पासवर्ड्स को हार्ड कोड कर देते हैं। तो हम इसका कोड व्यू करते हैं एंड देखते हैं क्या डेवलपर्स ने इसकी की को, जो इसकी एक्सेस की है, उसे हार्ड कोड किया है। इसका कोड देखने के लिए सबसे पहले आपको इस एपीके की एक और कॉपी क्रिएट करनी है। इसको सिंपली कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दें एंड इसका एक्सटेंशन चेंज कर देना है zip। यही कुछ हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी किया था। अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इस डायरेक्टरी में आते हैं और यहाँ पे एक डेक्स फाइल प्रेजेंट है।
इस डेक्स फाइल को हमें जार फाइल में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे सिंपली इसका एक्सटेंशन चेंज करके जार फाइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी और वो टूल है डेक्स टू जार। सिंपली यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, एक जिप फाइल आपको डाउनलोड होगी और उस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो जो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखी है। सो कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो पाथ होगा आपका, इसको आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव कर लेना है, ताकि ये जो फाइल्स हैं इनको आप किसी भी डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकें। तो वापस से चलते हैं हम अपने डायरेक्टरी में, और यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ओपन है। जार फाइल, और हम अपनी डायरेक्टरी स्विच कर लेते हैं। सबसे पहले डेक्स फाइल को जार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना है p2j डेक्स टू जार, और जो भी आपकी डेक्स फाइल है उसका नाम। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक से ज्यादा आपके पास डेक्स फाइल्स हों, तो हर एक डेक्स फाइल को आपको कन्वर्ट करना है जार में। तो डायरेक्टरी में हम देखते हैं अपनी, तो यहाँ पे हमें एक जार फाइल मिल गई है। अब इस जार फाइल को व्यू करने के लिए हमें एक और टूल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नाम है JDGUI। यहाँ से सिंपली इस जार फाइल को आपको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है जिस तरीके से हम जावा को, सॉरी, जिस तरीके से हम वर्ब सूट को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस, पहले मैं अपनी डायरेक्टरी स्विच कर लेता हूँ। जावा जार, और हमारी जो जार फाइल है उसका नाम। तो ये एक एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब या तो आप अपनी जो ये जार फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर फाइल मेन्यू से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। वैसे जो भी ये दोनों टूल्स हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा वो पैकेज जिसमें हमारा सारा कोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्लासेस हैं, और ये रही हमारी हार्ड कोड एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड ये रही हमारी सीक्रेट की। वेंडर सीक्रेट की एक्सेस ग्रांटेड। इस तरीके से आप पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं, सीक्रेट कीज फाइंड कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन के उन एरियाज में एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो ये कोड व्यू आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी APK का। इस तरीके से आपको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर इस तरीके की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसे हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन के नाम के इशू के साथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यही सारे स्टेप्स किसी और एप्लीकेशन के लिए परफॉर्म करें, तो हो सकता है उसका कोड इतना इजीली रीडेबल ना हो बिकॉज ऑफ कोड ऑफस्केशन। द कोड ऑफस्केशन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड डिफिकल्ट टू रीड। इसका बेनिफिट ये होता है कि एप्लीकेशन की रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल हो जाता है। प्रोगार्ड इज वन ऑफ द कॉमन टूल्स फॉर ऑफस्केशन। एप्लीकेशन टेस्ट करते टाइम ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि कोड ऑफस्केटेड होना चाहिए। अगर नहीं होता, तो उसके लिए भी आप एक इशू रेज कर सकते हैं फॉर अनऑफस्केटेड कोड। अब यहाँ पे जो हमने स्विगी के एप्लीकेशन को फेच किया था, उसकी जिप फाइल को बना के मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है, एंड साथ ही साथ जो उसकी डेक्स फाइल थी उनको जार में भी कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल डेक्स फाइल थी, तो उनके लिए मल्टीपल जार फाइल्स हैं। अब इन जार फाइल्स को हम ओपन करते हैं। ये जो मेरी डीवा वाली थी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर हम इसका कोड एनालाइज करने की कोशिश करें, देन
हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी क्लास क्या कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ए बी डॉट ए सी डॉट ए। यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से करके क्लासेस के नाम आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझ सकता कि कौन सी क्लास क्या कर रही है, कौन सा मेथड क्या कर रहा है। तो दिस इज बिकॉज इसका कोड जो है ऑफस्केटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अटैकर के लिए कोड को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा और वो मेथड्स को नहीं समझ सकता कि मेथड्स कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है, वो चीज़ नहीं समझ सकता। लेकिन इस चीज़ को भी हम बाईपास कर सकते हैं, इसके भी मेथड्स हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप यू आर गेटिंग अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। कमेंट एंड लेट मी नो अबाउट इट। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल बी बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।